हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल क्रूज राइडर पियांशु। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे हुंडई की तरफ से न्यू कार लॉन्च होने वाली हुंडई क्रेटा नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के बारे में। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखेगा, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कार के अंदर हमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, एक्सटीरियर में भी और इंटीरियर में भी, और कार की ओवरऑल डायमेंशन जो है वो सेम ही रहने वाली है। कोई भी चेंजेस यहाँ पर डायमेंशन में नहीं रहने वाले। कार के लुक पहले से ज्यादा स्पोर्टियर और काफी ज्यादा एग्रेसिव रहने वाले हैं पहले वाले मॉडल के मुकाबले। और हुंडई क्रेटा एक काफी अच्छी खासी सेल होने वाली कार है इंडिया में, जो कि प्रेजेंट मॉडल है वो भी काफी अच्छा खासा सेल हो रहा है। इसलिए कंपनी इस कार को लॉन्च करने में थोड़ा टाइम जरूर ले रही है, क्योंकि कंपनी का कहना ये है ओल्ड जनरेशन मॉडल ही इतना ज्यादा बिक रहा है, तो न्यू जनरेशन मॉडल का लॉन्च थोड़ा डिले कर सकते हैं। और ये कार सीधा कॉम्पिटिशन देती है किया सेल्टोस, स्कोडा कोशाक एंड MG एस्टर जैसी कारों को। कार के अंदर हमें काफी बढ़िया डिजाइन मिल जाता है, उसके अंदर हमें काफी सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, अभी बात कर लेता हूँ कार के एक्सटीरियर के बारे में। तो एक्सटीरियर में आते हैं सबसे पहले डायमेंशन पे। तो ये कार हमें डायमेंशन वाइज बिल्कुल सेम रहने वाली है, डायमेंशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है। सो अकॉर्डिंगली डायमेंशन वाइज कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। कार के अंदर हमें 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि इस कार को इंडियन रोड के लिए परफेक्ट बनाती है। एंड इसके फ्रंट लुक में काफी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। तो फ्रंट की साइड हमें रेक्टेंगुलर शेप में LED हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। डिजाइन के बारे में बात करूं तो इस कार का डिजाइन काफी ज्यादा स्पोर्टियर दिया गया है। इस कार की डिजाइन इंस्पिरेशन ली गई है हुंडई ट्यूसॉन से, एंड LED DRLs भी दिए गए हैं, जो कि डार्क क्रोम ग्रिल के साथ ही दिए गए हैं। एंड इसके बीचों बीच हुंडई के लोगो के अंदर ही हमें एडास का रेडार भी देखने को मिल जाता है। बाकी नीचे की साइड स्पोर्टियर फ्रंट स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। इसका फ्रंट बम्पर कंप्लीटली अपडेट रहने वाला है। वेल गाइस, अभी साइड लुक के बारे में बात करूं तो गाइस, साइड की तरफ कुछ खास चेंजेस नहीं है। ब्लैक कलर की क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, क्रोम डोर हैंडल बार देखने को मिल जाते हैं, B&C प्लेयर हमें ब्लैक आउट देखने को मिल जाते हैं, अच्छा खासा व्हील बेस देखने को मिल जाता है। एंड साइड की तरफ ही ब्लैक कलर की क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, एंड साइड बॉडी मोल्डिंग भी देखने को मिल जाती है। एंड अलॉय व्हील का न्यू सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि 17 inches तक के आते हैं। कार के रियर की साइड कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं, मेनली स्किड प्लेट के डिजाइन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड रियर लाइट के DRL के शेप में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, पहले हमें कनेक्टेड टेल लैंप देखने को मिलते थे, अभी यहाँ पर हमें सेपरेटेड देखने को मिलेंगे। एंड बीचों बीच हुंडई का लोगो एंड क्रेटा की क्रोम बैजिंग। बाकी पीछे की साइड बेसिक फीचर सभी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्पॉयलर, शार्क फिन एंटीना एंड वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर जैसे सभी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस। मेनली एक्सटीरियर में तो बस इतना ही, बाकी बात करता हूँ कार के इंटीरियर के बारे में। कार के अंदर हमें काफी एयरी केबिन देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड की साइड प्रीमियम क्वालिटी का सॉफ्ट एजिंग मटेरियल यूज किया गया है। ओवरऑल डैशबोर्ड का लेआउट भी चेंज हो सकता है, लेकिन उसके मेनली कलर में ही चेंजेस रहने वाले हैं। एम्बिएंट लाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा, AC वेंट वगैरह सभी प्लेसिंग बिल्कुल सेम रहने वाली है। स्टीयरिंग व्हील भी हमें एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है, बाकी शेप पहले जैसी ही रहने वाली है। एंड कार के अंदर हमें पेडल शिफ्टर के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी कार का इंस्ट्रूमेंट कंसोल मीटर देखने को मिल जाएगा, कंप्लीट डिजिटल में ही रहने वाला है। इस कार के अंदर हमें 8 inches की इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हमें सभी टाइप के कनेक्टिविटी फीचर देखने को मिल जाते हैं। 8 स्पीकर का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि बोस कंपनी का रहने वाले हैं। एंड इस कार के अंदर हमें मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर हमें डुअल जोन में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी अवेलेबल देखने को मिल जाता है। एंड लेदरेट सीट अपहॉल्स्ट्री के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, विद वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन एंड इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन एंड वायरलेस चार्जिंग जैसे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड मेन चीज, कार के अंदर हमें पैनोरामिक सनरूफ तो देखने को मिलती ही है, बाकी रियर की साइड में AC वेंट देखने को मिल जाते हैं विद आर्म रेस्ट एंड 60-40 स्प्लिट के ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप काफी कार के अंदर और भी ज्यादा स्पेस ले सकते हैं। अभी गाइस मेनली बात कर लेता हूँ कार के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये कार हमें 3 इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल देखने को मिल जाती है। पहला है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड MPI पेट्रोल इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 113 BHP की एंड टॉर्क जनरेट करता है 144 Nm का। एंड सेकंड इंजन है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 113 BHP की एंड 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। एंड तीसरा है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि है 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 138 BHP की एंड 242 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम भी है। ये कार हमें 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन IMT ट्रांसमिशन एंड 7-speed DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ अवेलेबल देखने को मिल जाता है। कार के अंदर हमें पेडल शिफ्टर के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। मेनली कार के माइलेज के बारे में बात करूं तो ये कार हमें 17-21 के आसपास माइलेज भी प्रोवाइड करती है। अभी गाइस ये तो था मेनली अपडेट के बारे में, बात करता हूं कार की सेफ्टी के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इस कार का ग्लोबली क्रैश टेस्ट हो चुका है। इस कार ने ग्लोबल एंड कैप क्रैश टेस्ट में 5-star की सेफ्टी रेटिंग को अचीव किया है। कार के अंदर हमें काफी सारे रेडार बेस्ड सेफ्टी फीचर देखने को मिल जाते हैं। एंड एडिशनल फीचर में इस कार के अंदर हमें एडास का फीचर देखने को मिल जाता है एंड 360° कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड 6 airbag देखने को मिल जाते हैं विद ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ABS PDBD हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटोमेटिक ब्रेक होल्ड एंड क्रूज कंट्रोल जैसे काफी सारे अमेजिंग फीचर इस कार के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कार के लॉन्च डेट के बारे में। तो कंपनी इस कार को लॉन्च करने में टाइम जरूर ले रही है, उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया, बट फिर भी ये कार हमें 2024 के मिड मंथ तक लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। अगर आप भी इतना वेट कर सकते हैं तो आपके लिए ये न्यू मॉडल वर्थ इट
रहने वाला है। बट अगर आपको भी पुराना वाला मॉडल ज्यादा अच्छा लगता है जो कि एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहा है, तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं, वो भी काफी बढ़िया चॉइस है। एंड मेनली कार के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये कार हमें 10,50,000 के एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस पर लॉन्च होते देखने को मिल जाएगी, जो कि इसका टॉप मॉडल जाएगा 18 लाख एक्स शोरूम प्राइस तक। तो गाइस अगर आपको अब भी कोई क्वेरी हो किसी भी कार से रिलेटेड या इस कार से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर भी आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।